और काम हमारा यहीं पे फिनिश हो चुका है, काफ़ी जल्दी हो गया। ये देखो फोटो यहाँ थी, अब यहाँ आ चुकी है। और अब हम Hey, what's up guys? तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है रोहन कुमार और आप सभी देख रहे हैं रोहन बाइक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा कुछ अपने खुद के टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको मैं खुद यूज़ करता हूं और अपने फ़ोटोज़ को कैसे एडिट करता हूं वो सब बताऊंगा। और मेरी फ़ोटोज़ कोई नकली फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है, मैंने फ़ोन से क्लिक करी अपने फ़ोटोज़ को, लेकिन ऐसा मतलब कर दिया एडिट कि हाई रेटेड पिक्स बन चुकी हैं वो। तो गाइस फोटो को जो एडिट करने वाले हैं हम, जो थंबनेल में हमने देखा है वो गाइस पहले ये वाली थी ये फोटो, अब यहाँ पहुँच चुकी है कैसे, तो मैं सब बताऊँगा इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना इस वीडियो में। तो गाइस किस तरह मैं फोटो एडिट करता हूँ वो भी एंड्रॉइड से। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों के पास आईफोन भी बहुत कम है, आईफोन में भी एक तरीके से काम कर सकते अगर आप आईफोन ऐप के पास है तो, बट ये पीसी वीसी वाला झंझट हो जाता है गाइस। पीसी क्या बोलते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, मतलब हो जाता है, कोई बात नहीं, सबके अलग अलग रीजन वगैरह होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को मन ही नहीं करता लेने का, तो सीधी बात है कोई नहीं, एंड्रॉइड की किंग है गाइस, हम और एंड्रॉइड से ही मचाने वाले हैं। तो कैसे क्या करना है इस वीडियो में सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और काफ़ी बेसिक है, एक दो बार ट्राई अगर आप करोगे रिहर्सल की करोगे ट्राई खुद से घर में सीख जाओगे गाइस। मैं भी खुद यही सीखा हूँ, मैं माँ के पेट से सीख सीख के नहीं आया हूँ, खुद यहीं धरती पर ही सीखा है, काफ़ी बड़ी बात बोल दी मैंने, थैंक यू। तो कैसे क्या करना है फोटो एडिटिंग को सब बताने वाला हूँ। ऐप का नाम है Lightroom, रिवील कर दिया मैंने, लो यार लोग रिवील नहीं करते हैं, बट इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा। प्ले स्टोर पे जाओ, Lightroom लिखो, LightHT लाइट ROM रूम, और ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। बट अगर आपको मोड वाला वर्जन चाहिए तो आपको मेरे को DM करना पड़ेगा, मैं लिंक वहीं प्रोवाइड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा लोचा हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, मेरे इंस्टाग्राम का अच्छा बोल्ड बन जाएगा एक तो, और हम उनसे लिंक भी मांग सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ मुझे मालूम है पहले फॉलो करोगे लिंक मांगने के लिए, फिर अभी फॉलो कर दोगे, चलो कोई बात नहीं, अब इतना भी कर लेना भाई, आपका दिल बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है यहाँ तक का, सब झेल लेंगे हम, आपको बैठका लेंगे आराम से, गलत मत समझना, दिल ही बड़ा है। तो कैसे करते हैं एडिटिंग, तो बस चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने क्या बोलते हैं अपनी फोटो को मतलब अपने पिक को Lightroom एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो गाइस ये फोटो बिल्कुल वैसे ही एडिट होने वाली है जैसा आपने थंबनेल में देखा है। तो गाइस पहला स्टेप हमारा मतलब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम क्या बोलते हैं यूज़ कर रहे हो Lightroom, अगर पहले से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये लग रहा होगा, लेकिन नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, सिंपल से बेसिकली समझा देता हूँ आपको। आपको गाइस यहाँ पे इधर आना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इस वाले फिर नीचे करना, क्योंकि गाइस वो ऑटो कर देता है अपने आप से, बट हम बैक कर लेते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये जो मतलब एक सूरज वाला ऑप्शन जो सन वाला, ये इस पर हमें टैप करना है यहाँ पे, और एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए मुझे लगता है ऐसा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। सभी फ़ोटोज़ के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं होते हैं, तो मैं इनको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा देखते हैं क्या सिस्टम है, कॉन्ट्रास्ट कितना करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 में कर देता हूँ कॉन्ट्रास्ट को, और हाईलाइट थोड़ा मैं कम कर दूँगा, 15 कर दूंगा हाईलाइट को, और शेडो वगैरह देख लेते हैं, शेडो वगैरह हमें थोड़ा कम ही रखना है, तो मैं 10 तक कर देता हूं, और वाइट को देखते हैं, वाइट भी हमें गाइस 10 तक ही रहने देना चाहिए, ठीक लग रहा है मेरे को ज़्यादा कुछ, और ये ब्लैक कलर डार्क या लाइट, बट हम डार्क नहीं रखेंगे वरना ज़्यादा कुछ डार्क हो जाता है, तो ये 15 पे छोड़ देता हूँ इसको। और फोटो हमारी भी इतनी एडिट हुई है, ऐसी थी ऐसी हो चुकी है, काफ़ी ठीक लग रही है। तो अब हमें टेम्परेचर वाला जो है इस पर टैप करना है, ये कलरिंग का ऑप्शन होता है, ये गाइस बहुत ही बढ़िया मतलब एक है, इसमें हमें कलर से खेलना है और काफ़ी मज़ा आएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। टेम्परेचर मुझे हाई रखना चाहिए या लो, मैं लो रखता हूँ टेम्परेचर, मुझे थोड़ा कूल अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ टिंट में, 4 रहने दिया है मैंने, और ये वाइब्रेशन को मैं 30 कर देता हूँ, और सैचुरेशन मैं देखता हूँ, सैचुरेशन में गाइस 10 तक रखूँगा। अब देखो गाइस इतना फ़र्क आ चुका है यहीं पे हमारे फ़ोटोज में, काफ़ी अलग हो गई है। अब हम इस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, ये मिक्स वाले पे, कलर मिक्स का है ये, तो इसे गाइस मैं अगर यहाँ करता हूँ तो गाइस ये हमारे लिप के कलर को चेंज करेगा, क्योंकि गाइस
आप यहाँ पे कलर देख सकते हो, ये जो है ये रेड कलर है, तो रेड हमारे लिप्स होते हैं थोड़े थोड़े, और जूते मैंने रेड पहने हैं तो इसके कलर में भी थोड़ा फ़र्क आएगा, तो इससे हमारे लिप्स रेड हो रहे हैं गाइस, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देख कर ही, मज़ा आ रहा है वाओ। तो मैं इसको इतना कर देता हूँ, और लिप्स के कलर हमारे रेड हो चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना लोग मीठा बोलेंगे। और इसको मैं इतने पे छोड़ देता हूँ, इससे हम थोड़ा गोरा हो जाते हैं, देख सकते हो रंग साफ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, सब रोहन्स वाइब्स का कमाल है। और थोड़ा यहाँ ये इतना ही छोड़ देते हैं, और इसको थोड़ा माइनस में जाते हैं, तो स्किन टोन में काफ़ी फ़र्क आया, देख सकते हो गाइस, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए थोड़ा देखते हैं, इसमें गाइस ये है येलो कलर, जो येलो कलर जितने भी होंगे सबके कलर चेंज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ इतना रखता हूँ और इसको इस टाइप से कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे जितना आपको करना है, तो मैंने ये कर दिया यहाँ पे, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, ये थोड़ा बकवास लग रहा है, इसको छेड़ना मुझे पसंद नहीं आ, अच्छा नहीं लग रहा है। और ग्रीन को देखते हैं, अब ग्रीन जो भी है जैसे पेड़ पौधे ग्रीन है पीछे के थोड़े बहुत हल्के हल्के, उन सब कलर में चेंजेस आएंगे, तो मैं इनको ऐसा कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ कर देता हूँ, इतना मैंने छोड़ा है। ब्लू पे देखते हैं, ब्लू क्या है, स्काई ब्लू है अपना, तो मैं इसको कुछ अलग टाइप का करना है, मेरे को नॉर्मल नहीं रखना है, थोड़ा यूनिक बनाना है, तो उसके लिए मैं ऐसे करूँगा यहाँ पे, और ये मुझे अच्छा लग रहा है स्काई कलर अब काफ़ी ज़्यादा इस टाइप से, पहले कहाँ और अब कहाँ, धरती आसमान का फ़र्क है ना, यही तो है रोहन वाइब्स। सब्सक्राइब कर लेना नहीं कराए तो, हाँ हर बार बोलना पड़ता है, ये लोग आए है ना एकदम बारूद, यह ऐसा रखना है आपको, या ऐसा रखना है, या ऐसा रखना है, या ऐसा रखना है, या ऐसा रखना है, जैसे आपका मन कर रहा है वैसा रख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको ऐसा कर दूँ, काफ़ी यूनिक लग रहा है मेरे को ये, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा वरना ये बकवास कर देगा पूरी पिक को हमारी। -2 पे रहने देते हैं, और कुछ पर्पल वाला है क्या यहाँ पे, ये सब ठीक है, ये इतना रहने देते हैं। जींस कलर पे थोड़ा टोन आ रहा है, और ये ऐसे 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 कुछ खास इसमें नहीं लग रहा मेरे को, तो छोड़ देते हैं, बट हम थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, हाईलाइट को थोड़ा और कम करेंगे, 60 छोड़ देता हूँ, एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। अब देखो गाइस फोटो यहाँ थी, यहाँ आ चुकी है, बट अब थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे हम, और ये ट्रायंगल वाले पे क्लिक करेंगे, और थोड़ा शार्पनेस बढ़ा देते हैं फ़ोटोज़ की, जैसे मैं कर रहा वैसे ही करना आप लोग यहाँ पे, तो और नॉइज़ रिडक्शन 30 कर देता हूँ मैं, फ़ोटो स्मूथ लगेगी काफ़ी ज़्यादा, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी लगेगी फ़ोटो। और ये रहा ये लो, यही मैंने 30 कर दिया यहाँ पे, अब फ़ोटो काफ़ी एकदम बवाल लग रही है, एकदम बवाल चीज़ है यार, सारा का सारा सिस्टम हिला देती है। टेक्सचर और क्लैरिटी, और क्लैरिटी को मैं 8 कर देता हूँ, और ये विग्नेट वाला ऑप्शन है, इसको ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल आपको गाइस क्या बोलते हैं स्टूडियो फ़ोटो वाला लुक देगी, बिल्कुल लगता है प्रोफेशनल फ़ोटो वाले लुक, देख सकते हो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है, और काम हमारा यहीं पे फिनिश हो चुका है, काफ़ी जल्दी हो गया। ये देखो फ़ोटो यहाँ थी, अब यहाँ आ चुकी है, और हम क्या करना है, शेयर पे हम टैप करेंगे और सेव टू डिवाइस कर देंगे, और काम हो जाएगा। तो गाइस इतना ही था ऐसे एडिटिंग करना, तो आई होप आपको पूरी तरह से गाइस क्या बोलते हैं सारा का सारा ट्यूटोरियल जो मैंने आपको बताया कैसे क्या करना है समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करो, जाओ पीछे देख के आओ, सीखो और फिर करो। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखो अपना और अपनों का, मिलता हूँ और साथ में मजाते रहो, मचाते रहेंगे हम लोग। वीडियो शेयर कर दो उनको जिसको इसकी ज़रूरत है, फोटो एडिटिंग का भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी क्या करना चाहिए फोटो शूट से पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखा आपने देखो, 5 टिप्स बताया प्रोफेशनल टिप्स है, बिल्कुल काफ़ी काम आने वाले टिप्स है, बिल्कुल दिमाग लगा के बताया मैंने, मोहर लिख के दे सकता हूँ, लिख के देखना जरूर, काफ़ी काम आएंगे आपके वो टिप्स। और फिर फोटो शूट करके आपको एडिटिंग करनी जरूरत पड़ेगी, तो एडिटिंग की वीडियो मैंने यहाँ ले आया आप लोगों के लिए, अब चाहिए ही क्या, आगे वीडियो और आएंगी, अभी इंतजार करो।
और मैं गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने लग गया हूँ, फ्री फायर खेलता हूँ इसी चैनल पे, तो साथ दे दो, साथ जोड़ो, साथ में मेरे को भी अपने अपने साथ मुझे जोड़ो, या फिर मैं जोड़ूंगा खेलेंगे साथ में, मचा देंगे तबाही मचा देंगे एकदम। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पीस आउट।